हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, हम लोग वर्तनी शुद्धि यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये वर्तनी शुद्धि का दूसरा वीडियो है जो आपको पढ़ाने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे मुझे एक शिकायत है, एक नाराजगी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर हमको आरओ 2016 देना है या आरओ 2020 देना है। ठीक है, मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए, मुझे मेरी रणनीति बताइए, स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। ठीक है, मतलब बहुत सारे कमेंट करते हैं, मैं अधिकतर कमेंट देने का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी का नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तो आपका सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा सहयोग नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से वीडियो को वॉच करना चाहिए आप नहीं करते हैं, आप स्किप कर देते हैं, आप वीडियो पूरा बिल्कुल नहीं देखते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, मेरे साथ रहिए। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, मुश्किल से 5, 8 या 10 मिनट का होता है, आप उतना भी समय नहीं दे पाते हैं। और आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और रख लेते हैं या नोट कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका जब रिजल्ट कुछ गड़बड़ होगा, खैर ऐसा ना हो अच्छी बात है, तो फिर आप कहेंगे, मतलब आप मुझे दोष देंगे, सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने मैटर नहीं दिया। ठीक है, इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, वीडियो को पूरा देख लिया करें। ठीक है, हो सके तो दोबारा भी देख लिया करें, जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ी तारीफ भी करनी है। मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूँ कि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उसमें से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक हमारे हैं मयंक शर्मा जी हैं, अजय प्रजापति जी हैं, ए के मिश्रा जी हैं, भूमिका अग्रवाल जी हैं, श्यामजीत जी हैं, सुनीता यादव जी हैं, विवेक सिंह जी हैं, दिनेश त्रिपाठी जी हैं, अतुल गुप्ता जी हैं और विजय कुमार मौर्य जी हैं। ये 10 लोगों के मैंने आज नाम यहाँ पर लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग और इसके अलावा भी लोग लगातार कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, प्रेरित हो सकूं। मैं और भी आप लोगों के नाम लूंगा, जो ज्यादा कमेंट करेगा मैं उसका ज्यादा नाम लूंगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट करिए, आपका भी नाम मैं यहाँ पर लूंगा, सब लोग सुनेंगे कि हाँ भाई आप हमारे व्यूअर हैं। ठीक है, सर से पढ़ते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आते हैं मेन मुद्दे पर और शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही जो पिछले वीडियो में 30 शब्द दिए थे, आप 30 शब्द फिर से यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताने वाले हैं, शुद्ध क्यों है वो, अशुद्ध क्यों है, कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, कहाँ पर क्या है समस्या है, ये सब बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ में बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए, पहला शब्द है निरानुनासिक। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा निरानुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है, निरा नहीं होता है, रापा डंडा नहीं लगेगा, रा छोटा बनेगा, निरनुनासिक। ठीक है, अंतःशिष्टता का शुद्ध शब्द होगा अंतःचेतना। ठीक है, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, ये आधा ना यहाँ पर गलत लगा है, ये आधा ना हट जाएगा और इसके ऊपर ये बिंदी आ जाएगी। ठीक है, अगला है बुझक्कड़, तो इसका हो जाएगा बुझक्कड़। ठीक है, ये बड़े उ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा लगेगी, बुझक्कड़ होता है। ठीक है, अगला है कवित्री, तो ये सही लिखा हुआ है कवित्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वा पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा नहीं लगेगी, सिर्फ यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी, कवित्री होगा। ठीक है, अगला है मनहारथ, तो इसका हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, अगला है वात्सल, तो ये हो जाएगा वत्सल। ठीक है, वात्सल नहीं होता है, वत्सल होता है। अगला है ईर्षा, तो ये ईर्षा गलत लिखा हुआ है, ईर्षा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये है ईर्ष्या। ठीक है, अगला है दुर्निवार, तो ये दुर्निवार नहीं होता है, ये होता है दुर्निवार, दुर्निवार लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है उल्लंघन, गलत लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा उल्लंघन। ठीक है, अगला है तदुपरांत, तो ये होता है तदुपरांत, होता है तदुपरांत। ठीक है, तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। अगला है अनाधिकार, तो ये अनाधिकार नहीं होता है, ये होता है अनधिकार। ठीक है, ये ना पर डंडा नहीं आएगा, अनधिकार होगा। अगला है चरमोत्कर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है चरमोत्कर्ष, सही क्या होगा,
ये होगा सही शब्द चरमोत्कर्ष का, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ रा पूरा बनेगा, आधा नहीं होगा, चरमोत्कर्ष, ठीक है। रचयिता, ये देखिए शुद्ध शब्द है, ठीक है, रचयिता, ठीक, इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अगला है कालिदास, तो कालिदास में ला पर आएगी छोटी ई की मात्रा, ये हो जाएगा कालिदास, ठीक है। अगला है प्रज्वलित, गलत लिखा हुआ है, तो ये होगा प्रज्वलित, ठीक है, ये वाला जा हट जाएगा, ठीक है, जब ये सिर्फ एक आधा जा रहेगा प्रज्वलित। अगला है पौरुष, ये पौरुष नहीं, ये होता है पौरुष। अगला है श्रीमती, तो ये श्रीमती नहीं, ये होता है श्रीमती, ठीक है, नॉन लग रहा है श्रीमती, ये बड़ी की मात्रा लगेगी। अगला है अक्षुण्य, तो ये होता है अक्षुण्य, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, ये सही शब्द है, ठीक है। अगला है गरिष्ठ, तो इसका हो जाएगा गरिष्ठ, ये टा नहीं होगा, ये हो जाएगा ठा। अगला है अंजलि, तो इस पर ये ला पर छोटी एक की मात्रा आ जाए, ठीक है। तो जितने भी आपको हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, सभी पूछे गए हुए हैं। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और अंत तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है आपको। अगला है आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो सही क्या होगा यहाँ पर, आशीर्वाद होगा, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तीर्ण, तो क्या सही होगा यहाँ पर, उत्तीर्ण सही होगा, ठीक है। अगला लिखा प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र नहीं होता है, ये होता है प्रेम चंद होता है, ये बिंदी आ जाएगी आप, ठीक है, प्रेमचंद होता है, चंद्र नहीं होता है। अगला है प्रतापी, तो ये प्रतापी नहीं, ये होता है प्रताप, ठीक है। अगला है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक इस तरह लिखा जाएगा, व्यवहारिक यानी कि यहाँ पर ही डंडा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डंडा नहीं है और यहाँ पर ये बड़ा या बना हुआ है, तो व्यवहारिक होता है, ठीक है। अगला है प्रदर्शनी, तो ये होता है प्रदर्शनी, ठीक है, ये यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर ये छोटी मात्रा नहीं आएगी। अगला है साधु, तो साधु नहीं होता है, साधु होता है साधु, ठीक है। और अगला है उन्नति, तो ये उन्नति नहीं बल्कि उन्नति होती है, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ जाएगी। और अगला है चेष्टा, तो ये हो जाएगा चेष्टा, ये वाला सा बनेगा आधा, ठीक। और अगला है नरक, तो ये नरक नहीं, ये होता है नरक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नरक होता है। तो ये थी हमारी दूसरी श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद हम और कुछ जरूरी महत्वपूर्ण शब्द लेकर के आएंगे जो परीक्षा में पूछे गए। यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।